पिहोवर नए साल के उपलक्ष्य में श्री दक्षिणा काली पीठ मंदिर में भंडारा लगाया गया। वहीं पीठ के संस्थापक महंत बंसीपुरी का जन्मदिवस भक्तों द्वारा श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया गया और उनकी दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर पंजाब से शिवसेना हिंदुस्तान के प्रमुख सपरिवार पहुंची व श्री दक्षिणा काली पीठ मंदिर में माथा टेका और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर महंत बंसीपुरी जी को जन्मदिन की बधाई दी। शिवसेना हिंदुस्तान प्रमुख ने कहा, जीवन में धर्म के रास्ते पर चलकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए बोले कि देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में शिवसेना हिंदुस्तान की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। अब तक देश के 18 राज्यों में शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आगामी 4 जनवरी 2020 दिन शनिवार को हरियाणा की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा और हरियाणा अब देश का 19वां राज्य होगा जहाँ जोर शोर से अधिक कार्यकर्ताओं का संगठन से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शिवसेना हिंदुस्तान इस समय 22 राज्यों में काम कर रही है और उसी कड़ी के तहत हरियाणा में भी शिवसेना हिंदुस्तान का संगठन है, पर और मजबूती से संगठन बनाने के लिए पेहवा में यहाँ के उत्साही नौजवानों ने, यहाँ के हिंदुत्व के प्रखर योद्धाओं ने मुझे 4 तारीख को पेहवा में आमंत्रित किया है और उनके कहे के अनुसार यहाँ एक संगठन की मजबूत नींव 4 तारीख को डाली जाएगी और मैं उस 4 तारीख का विशेष रूप से इंतज़ार कर रहा हूँ। और पेहवा के जिन साथियों ने मुझे निमंत्रण दिया है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिला कुरुक्षेत्र में नहीं पूरे हरियाणा में शिवसेना हिंदुस्तान की उस दिन मजबूत नींव पड़ेगी। क्या क्या आपके कार्यक्रम में किस प्रकार से शिवसेना हिंदुस्तान किस प्रकार से कार्य करेगी, वो करती रही है? शिवसेना हिंदुस्तान पहले से ही अपने जन्म के साथ ही, जब हमने 30 मार्च 2003 को शिवसेना हिंदुस्तान को बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग किया, तब से ये निर्धारित कर दिया था कि शिवसेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान भर के हिंदू समाज के लिए संघर्ष करेगी, केवल एक राज्य या एक क्षेत्र के लिए नहीं करेगी, क्योंकि हमने क्षेत्रवाद की शिवसेना की राजनीति को ही तिलांजलि दी थी। और आज ऐसे सब लोग देख रहे हैं कि जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने अपने खून से सींचा था, अपने आदर्शों से सींचा था, सत्ता की भूख से दूर रहे, आज वो सत्ता की भूख शिवसेना बाला साहब ठाकरे के वंशजों पे भारी पड़ गई। आज पहला मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में हुआ है जिसमें पिता और पुत्र दोनों ही मंत्री बन गए, जिसके दरवाजे पे कई मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, होने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जाकर के माथा टेकते थे, आज वो खुद सत्ता की भूख का शिकार हो गए। उस भूख से शिवसेना हिंदुस्तान ऊपर है। हम पूरे देश के अंदर जो प्राचीन और हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, उस मंदिर एक्ट के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में शिवसेना हिंदुस्तान हिंदुत्व की एक में मजबूत आवाज़ बनकर के उभरेगी।